आज घर में कुछ सब्जी बची नहीं थी और कुछ टेस्टी खाने का भी मन कर रहा था, तो क्या बनाएं। तो थोड़ी सी हमारे पास फली रखी हुई थी और आलू बचे हुए थे, तो चलिए इसी की सब्जी बनाते हैं कुछ टेस्टी सी और मज़ेदार सी, ताकि सबको बहुत पसंद आई ये सब्जी खा के। तो इसके लिए हमने थोड़े से बीन्स थे हमारे पास वो ले लिए हैं और आलू काट के ले लिए हैं। अब चलिए इसका तड़का लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में जीरे और तेज़पत्ता और एक लाल मिर्च का तड़का दिया हुआ है और दो मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हुए हैं और इन सबको अच्छे से हम भून लेंगे। थोड़ा सा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर हम अपनी सब्जियाँ इसके अंदर डाल देने वाले हैं। ये सब्जी खाकर आपको तो मज़ा ही आ जाने वाला है दोस्तों आज, क्योंकि ये सब्जी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे हमने अपनी फली डाल दी हुई है और आलू भी डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हमारी फली और जो आलू थी वो हल्की सी फ्राई हो चुकी है। जब घर में कुछ सब्जी ना भी रहे ना और बची हुई थोड़ी बहुत सब्जियों से हम इतना टेस्टी सब्जी बना सकते हैं ना दोस्तों, क्या ही बताया जाए। तो यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालना है यहाँ पे। और साथ में हम यहाँ पे दो टमाटर काट के डालने वाले हैं। तो मसाले अपने सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालिएगा कम या ज़्यादा करके। तो यहाँ पे हम सबको एक साथ ही डाल दिए हुए हैं और इन सबको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। ये मुश्किल से आपको 15 मिनट में सब्जी बिल्कुल पूरी बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सब कुछ डाल दिया हुआ है साथ में और थोड़ा सा हमने यहाँ पे बिल्कुल पानी डाला हुआ है। और चलिए इसको पका लेते हैं। 5 मिनट पकाने के बाद ये सब्जी बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाती है। तो अगली रेसिपी क्या मैं बनाऊं आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिएगा इस हमारी सब्जी यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़ी देर इसको और कुक कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी दिख रहा है हमें। ये बिल्कुल ही पक चुकी है देख सकते हैं आप लोग। तो इसको 5-2 मिनट और पका लेते हैं हम लोग और ये सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए कर लेते हैं इसको शेयर। किस किस को ये रेसिपी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। नमस्कार।